स्टेज पर तशरीफ फरमा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के गुजरात के हमारे सदर जनाब सादिक काबुलीवाला साहब, सूरत के कैंडिडेट सूरत ईस्ट से जिसको हमारे पार्टी सदर बैरिस्टर सदर मोदी साहब ने घोषित किया विधानसभा चुनाव के लिए, वसीम कुरैशी साहब, तमाम यहाँ पर जिम्मेदार मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहन। आज सबसे पहले तो मैं लंबाई की इस आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमको मौका दिया या बुलाया और हमको अपनी बात रखने के लिए इजाज़त। मुझे पता चचला कि काफ़ी उलेमा आए थे मगर क्योंकि हम लोग लेट हो गए, वो चले गए, तो मैं उससे आपकी जरिए से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर हम लोग से कोई गलती देरी हो गई तो आपको माफ़ करके नेक्स्ट टाइम जरूर आपके पास आएंगे और आपकी भी बात सुनेंगे, हमारी भी बात करेंगे। फिलहाल आप जैसे तमाम जानते हैं इतने बरसों से चुनाव आए, आप तमाम ने अपने वोट का इख्तियार अधिकार इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपना वोट दिया। पहले कांग्रेस को दिया, उसके बाद भी कांग्रेस को दिया क्योंकि मुझे यकीन है या जो बैठा है वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा। 30 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही, अब 27 साल हो गए भाजपा सरकार सत्ता में। हम पहली मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सवा साल पहले जब हम गुजरात में आए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्यादत में डिसाइड किया साहब ने कि आपको चुनाव लड़ना है गुजरात में कॉरपोरेशन का। दिन बहुत कम थे हमारे पास, तकरीबन 40 दिन थे हमारे पास जिसमें हमको यहाँ प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना, बॉडी बनाना, सब तरफ सर्वे करना, कैंडिडेट खड़े करना, लड़ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम लोगों को जितना मौका मिला साबिर काबुलीवाला साहब की क्यादत में गुजरात में चुनिंदा दिनों में 40 दिन भी नहीं थे हमने 37 कैंडिडेटों को लड़ाया जिसमें हम सूरत में नहीं लड़ा सके। उन 37 कैंडिडेटों में 9 हमारे नॉन मुस्लिम यानी दलित भाई बहन थे। टोटल 37 में से गुजरात के आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा और 25 कॉरपोरेटर हमारे जीत के आया। हम उनका पहली मरतबा फर्स्ट टाइम लड़े, पहली मरतबा लड़े, अगर लोगों ने भरोसा दिखाया असद ओवैसी साहब की क्यादत पे, दुआओं से नवाजा और मजलिस को कामयाबी मिली। तकरीबन 1 साल का वक्त चला गया, साबिर भाई के नेतृत्व में पूरे गुजरात में काफी काम हुआ, हर तरफ बॉडियां बनी, वार्ड अध्यक्ष बने, ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी मजलिस ने काम किया पूरे गुजरात में, सूरत में भी हमने काम किया। वसीम साहब यहाँ पर जो मौजूद है आपके हमारे बीच, जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह विधानसभा का, इनकी भी काफी मेहनत रही। पूरी आवाम गुजरात की एक रीत से कह रही थी असद साहब के पास हैदराबाद तक जाकर कि साहब इस मरतबा आप सूरत से भी लड़िए, गुजरात में तो आप लड़ रहे हैं सूरत से लड़िए, इंशाल्लाह सूरत की ये आवाम आपके कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ चलेगी और कामयाब होंगे। हमने डिसाइड किया सूरत से भी चुनाव लड़ेंगे इस मरतबा, पूरे गुजरात में लड़ेंगे। अभी किसी पत्रकार ने मुझसे सवाल किया वारिस भाई कितनी जगह पे लड़ेंगे, मैं तो चाहूंगा कि सबके सब जगह पे लड़े मगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट पे लड़ेंगे क्योंकि आवाम चाहती है। इतने वर्षों से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, किसको वोट दे, आपने जाकर वोट नहीं दिया कांग्रेस को। पिछली मरतबा कॉरपोरेशन के चुनाव में भी हम नहीं लड़े, ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो हमको बीटिंग बीटिंग सीटिंग बोलते हैं ना, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, ए से लेके जेड टिप तक वो तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन सुन के आप जान करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिल्लाते चिल्लाने वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से सुन के निकाल दो। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाब क्या है, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में है, हम तो नहीं लड़े,
क्यों उनको हरा नहीं सका कांग्रेस? ताकत नहीं। अब जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया साल सवा साल पहले, हम नहीं लड़े यहां पर, मगर जो लड़ा आम आदमी पार्टी, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि काफी जो हमारे मुसलमान सीटें थी वो भी डैमेज हो गई। बीटी कौन हुआ? हम या हुआ? हम तो नहीं लड़े ना। तुम में ताकत नहीं है हराने की बीजेपी, तुम में हिम्मत नहीं है हराने की बीजेपी, तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं है हराने का बीजेपी, तो तुम सारी चीजों का ठिकड़ा जो है वो हमारे सर पे मंडला देते हो, इनकी वजह से। अब क्या जवाब देंगे गुजरात के अवाम को? हम लोग नहीं लड़े, लेकिन इंशाअल्लाह अब लड़े। आपको जो बोलना है बोलो, पूरी तरह लड़ेंगे साथी भाई, पूरे गुजरात के अंदर लड़ेंगे, धमाल के साथ लड़ेंगे, असद ओवैसी साहब खुद आएंगे आपके सामने मुखातिब होंगे, और मुझे यकीन है कि आप प्यार मोहब्बत से नवाजोगे और कामयाब करोगे। देश के हालात आप सबके सामने, मैं यहाँ ज्यादा कुछ भाषण नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अभी 8 बजे मुझे वापिस बोलना है, क्योंकि वहां भी काफी लोग सुनने आ रहे हैं। आज बात और बात रखी जाएगी वो बराबर, बात करना आता है हमको, जुबान हमारी भी उनमें है, आवाज अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा भारी है पटारी आवाज है, जबरदस्त बोल सकते, इतना बोल सकते, इतना बोल सकते कि इनके कान से खून निकालते हैं। डरते नहीं किसी के बाप से, डरता रहेगा लिखा होगा नहीं, कुछ भी डरता नहीं किसी से, बोलेंगे इनकी हर बात का जवाब देंगे, मगर इनको सबसे बड़ा जवाब देगी अगर कोई वो सूरत की आवाम जवाब। हम अपनी बात रखेंगे, हम आपको बताएंगे हमारी क्या मंशा है, हम आपको बताएंगे हम किस लिए पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पे करना, क्या हमारा एजेंडा है। वो कार्ड बांटने वाली टेक्निक नहीं है अपने पास, कार्ड बांटो सबके नंबर लो, क्या पता कल किसी हमारी बहन का नंबर लेके कोई मस्ती कर दिया उसके साथ, मगजमारी वाली बात है। ये सब एक षड्यंत्र है, साजिश है, इसमें फंसना नहीं, क्योंकि जो करने वाला होता है वो करके दिखाता है काम अपना। ठाकुर ने कार्ड दिखा के हम नहीं करने का, अपना काम बोलता है और करके दिखाएंगे, ये कर देंगे। वो रेवड़िया बांटना इन लोग दोनों के ऊपर छोड़ दिया, हम लोग जो जुबान दे दिए वो जुबान पर पक्के और जुबान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम करके देंगे आप। अगर आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधे से कांधा मिलाकर काम करना होगा, वरना जिस तरह इतने साल निकल गए, आगे और बाकी कुछ साल है वो चले जाएंगे इसी तरह गरीब बिछाने। आज आपके पास आपकी खुद की अपनी जमात है, आपको छाती ठोक के बोल सकते हो मजलिस से त्याग, उसने भी मेरी जमात है, ये पहले नहीं बोल सकते थे। सिर्फ हमारा वोट लिया है लोगों ने इख्तदार की कुर्सी पर बैठने के, काम करने की ना कभी इनकी नियत थी ना आदत थी ना कभी आगे करेगी, लेकिन जब सूरत से इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से जीत कर जब वसीम कुरैशी जाएगा ना असेंबली में, उस वक्त आप आवाज भी सुनोगे, काम भी होगा और बच्चा बोलेगा अब्बा बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अब लग रहा है कि सूरत में मेरे एरिया के अंदर विकास होगा। ये रेवड़ी नहीं बांटेंगे, 10-20 दिनों से बेहतर है कि एक बहादुर को भेजो, काम करके आएगा। ये ताकत है मुझे सिद्धार्थ दोस्त, अब थोड़ा ताकत मैं भी अपनी बचा के रखना चाहता हूँ, मुझे भी बोलना है तो बैठने के बाद आपसे उम्मीद है सब वहां पे आओ, इंशाल्लाह मिलेंगे वहां पे, आगे अपनी बात रखूंगा, क्योंकि आज को मीडिया भी भरकम आने वाला है सुनने के लिए, फिर बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, अगर बोलेंगे संविधान में जितना अधिकार इनको दिया है ना तो चिल्लर फिल्लर उससे ज्यादा अपने को अधिकार, हम हमारे इस देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। अब जितना की इंप्रेशन थेरी को ठुकरा के सब बैठे, जितना अधिकार भारत देश पर लिंबायत की आवाम का है उतना अधिकार मोदी का भी नहीं है यार।